अस्सलाम वालेकुम, रफी के जाके मैं आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाला पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी कैसे बनाते हैं ग्रेवी में, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह दिखाते हैं बनाते हुए आपको। तो एक पैन रख दिया है, एक पोर्शन हम बना के आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर पहले डाल देंगे हम तेल, उसके बाद डायरेक्ट हम ऑनियन डाल देंगे, ग्रेवी हमारा फटाक से रेडी हो जाएगा। रफली आप काट लें, बहुत बारीक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो अदरक लहसुन और मिर्ची थोड़ा सा इसके अंदर ही हम डाल देंगे, साथ ही ये भी पक जाएगा। टमाटर पीसने लायक के रेडी है, अब इसे हम ठंडा कर देते हैं, उसके बाद हम पीसते हैं। तो फटाफट इसको ठंडा कर लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमने तेल डाला, फिर आ गया जीरा। जीरा जैसे हो जाता है, जो हमने पेस्ट किया है उसको डाल देंगे। घोल के थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला था। हाफ टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला हाफ टीस्पून से भी कम, एक टीस्पून देगी लाल मिर्च। अब इसे हम भून लेंगे खूब बढ़िया तेल छोड़ने तक। तो मसाला हमारा भून गया है, तेल रिलीज हो गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे गरम पानी। अब ये हो गई हमारी ग्रेवी रेडी। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक के छोड़ देंगे, धीरे आंच पे पकेगा। चेक कर लेते हैं, पूरा देखो ग्रेवी हमारा हो गया रेडी। अब ये आ गया ग्रेट किया हुआ पनीर, थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर देंगे। ये आ गया हरी धनिया और थोड़ा सा इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। पनीर भुर्जी हमारा रेडी है, गैस करते हैं बंद। तो धनिया आ गया, पनीर भुर्जी हमारा रेडी है। अब आप इसे ब्रेड के साथ, पाव के साथ, नान, रोटी, पराठा, कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है। तो इंशाल्लाह ट्राई करिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।